और एक तरफ वो माँ थी जिसने कक्षा 5 नहीं पढ़ा, एक तरफ वो पिता था जिसने हाई स्कूल के बाद विद्यालय नहीं गया। मैं कहना चाहता हूँ आप सौभाग्यशाली हैं, इस विद्यालय में पढ़ने आप सीबीएसई बोर्ड के छात्र हैं, आप बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं अंग्रेजी के, आपको जर्मन से लेकर तमाम फ्रेंच लैंग्वेज आ सकती है। लेकिन उस माँ के बारे में कभी सोचा, कभी सोचा उस माँ के बारे में जिसने कक्षा 5 के बाद पढ़ना तो चाहा लेकिन वो स्कूल नहीं जा पाई, उस पिता ने आगे बढ़ना तो चाहा लेकिन उसके कदमों को रोक दिया गया। अरे इस भारत माँ की रक्षा करने की बात करते हैं लेकिन हम अपने माँ बापों को भूल जाते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ जब माँ सुबह को नाश्ता देती है, जब माँ शाम को भोजन कराती है, तो महसूस करना और कभी एहसास करना जो माँ अपने पति से सालों साल नहीं मिलती, जो माँ अपने सब कुछ न्योछावर कर देती है अपने औलाद को बनाने के लिए, जो माँ चाहे तो उसका भी मन करता है कि वो शायद अच्छे कपड़े पहने, वो शायद अच्छी जगह जाए, वो अपने आप को डॉक्टर को दिखाए, लेकिन कैंसर तक का रोग हो जाता है। माँ सोचती है नहीं, मेरी बेटी पढ़ने वाली है, मेरा बेटा पढ़ने वाला है, मैं अपना इलाज 10 साल बाद करा लूंगी, लेकिन आज मेरा बच्चा विद्यालय गया है, उसकी डिमांड पूरी होनी चाहिए। वो पिता बॉर्डर में हो या खेत में, वो पिता सरकारी में हो या प्राइवेट में, वो पिता अगर है तो हम हैं, अगर वो पिता है तो इस सृष्टि का निर्माण है, अगर वो पिता है। हम कहते हैं पापा ऐसे हैं, माँ से हम सब लोग झड़क लेते हैं, डांट भी लेते हैं, और माँ से फिर पूछते हैं कि माँ तुझे कुछ समझ नहीं आता, हम पेट में थे 9 महीने के थे, माँ तब से हमें पाल रही है, माँ को समझ में आता है कि पेट में बच्चा है। जब माँ बच्चे को जन्म देती है बच्चा बोलने लायक नहीं होता है, लेकिन माँ को समझ में आता है कि बच्चा बोलता कैसे है, बच्चा चाहता क्या है। वो माँ भूखे प्यासे रह के भी उसको दूध पिलाती है, लेकिन आज आप बड़े हो गए हो, आज वो माँ बूढ़ी होते हुए जा रही है, आज तुम कहते हो कि माँ ज्यादा मत बोल तुझे समझ नहीं आता। अरे वो माँ तुमको तब समझती थी, लेकिन आज आप बड़े हो गए हो, आज कहीं ना कहीं आप अपनी उस माँ पे अंकुश लगाते हो। मैं उस पिता के बारे में भी कहना चाहता हूँ, चाहे वो इस समय कहीं कारगिल में हो या कहीं पर भी, वो पिता जरूर कड़क हो सकता है, लेकिन अगर वो पिता ना होता, ना तुम होते ना हम होते, और जब पिता की उंगली पकड़ने की बात होती है, जब माँ के गले लगने की बात होती है, जब जब मार्केट में हम हर छोटी छोटी चीजों को अपनाना चाहते हैं, हम सारे खिलौनों को अपना बनाना चाहते हैं, तो उस समय वो पिता ही होता है, उसके जेब में 100 रुपये होते हैं, बच्चा 1000 रुपये की डिमांड करता है, वो पिता ना चाहते हुए भी सब कुछ कुर्बान कर देता है। लेकिन वही औलाद जब बड़े होके उस पिता को वृद्धाश्रम में डाल देती है, वही औलाद बड़े होके उस माँ पे जब हथियार उठा देती है, वही औलाद जब बड़े होके बीड़ी सिगरेट तंबाकू का इस्तेमाल करती है, वही औलाद बड़े होके जब चरस गाजा स्मैक्स तमाम प्रकार के नशीली चीजों का उपयोग करती है, आज बड़े होके जब अपने आप को कूल दिखाने के लिए, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए, अपने आप को स्टेटस सिंबल बनाने के लिए उन माँ बापों के ऊपर हथियार उठा देते हैं, आप मानो ना मानो वो माँ के मन में वो पीड़ा होती है, जो माँ 100 साल जीने वाली होती है वो माँ 50 साल में दुनिया छोड़ के चले जाती है, जो पिता तुम्हारे लिए ताकत बन सकता था वो पिता दुनिया को छोड़ के मजबूर हो जाता है। मैं कहना चाहता हूँ ये कैसी युवा पीढ़ी, ये कैसा देश का सैनिक, ये कैसी 21वीं सदी का युवा, और ये कैसी दशा और दिशा, फिर क्या फायदा उस पढ़ाई का जो अपने माँ बाप को नहीं बचा पाया, वो देश को क्या बचा पाएगा, जो अपने माँ बाप का नहीं हो पाया वो किसी मित्र का क्या हो पाएगा। मुझे मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, और मेरे पापा अपने लिए नए कपड़े नहीं खरीदते हैं जब तक हमें ना दे दे, और वो खाना भी नहीं खाते अगर हमें ना खिलाए तब। कौन सी क्लास में बेटा आप, कौन सी क्लास में हो? क्लास 6। पापा कहाँ रहते हैं आपके? पापा ड्राइवर हैं। ड्राइवर हैं, कहाँ रहते हैं बेटा? किराए पे रहते हो। तो तुमने कसम खाई है कि तुम बहुत अच्छे मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे, अच्छे ऑफिसर बनोगे और अपने मम्मी पापा का सहारा बनोगे। पापा आते हैं डेली घर में, क्या कहते हैं तुमसे? पापा कहते हैं बस तुम पढ़ो, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आप पढ़ो। तो अपने दोस्तों को क्या संदेश देना चाहोगे जी? क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे इन बच्चों को जी? हमेशा प्यार करिए, क्योंकि पेरेंट्स सब कुछ करने के लिए तैयार है हमारे।
जोरदार तालियां मेरी छोटी बहन के लिए, जोरदार तालियां। थैंक यू, थैंक यू।